अगर आपको हृदय अच्छा होना है, ये बातें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बताया होगा आपके माता जी ने, पिताजी ने, या आपके दादाजी ने देखा होगा। कुछ लोगों का आदत होती है, देखो मैंने देखा है, जो पुराने लोग होते हैं वो क्या करते थे कि मशीन होती है, आपके पास भी होगी, वो क्या करते थे ब्रश होने के बाद में, वो स्टील की होती है, वो अंदर हमारे जीवा के अंदर आके उसको खींचते, ऐसा ऐसा खींचते, तो हमारे दोस्तों आज मैं एक आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूं, और वो है लोगों को लगता है कि जब हम उठते हैं सुबह, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक नाड़ी के ऊपर उठे, जो आपकी नाड़ी है, सूर्य है या चंद्र है, वहां से उठ रहे हैं, उठने के बाद में आप हाथ दिख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, धरती को भी नमस्कार कर रहे हैं, आईने के पास भी जा रहे हैं, उसको उधर भी स्माइल कर रहे हैं, ये सब आप प्रोसेस कर रहे हैं। ये होने के बाद में अगर आपका श्वास, ये तो चल रहा है आपको पता है, मगर उस टाइम आपको क्या करना है, ये सब प्रोसेस होने के बाद में पानी गुनगुना करना है, पानी लेना है, गर्म पानी, ज्यादा गर्म, ज्यादा हीट वाला पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए। तो वो पानी आपको कम से कम दो ग्लास पानी आपको पीना है। समय वो जो पानी है आप बाहर को तो गुल्ला नहीं करना है, आप वैसे ही जब आईने के पास आने के बाद पानी को गर्म करो और डायरेक्ट वो पानी मुंह लगा कर पियो, सिप सिप कर पियो, डायरेक्ट नहीं ऊपर से पीना है, डायरेक्ट कोई पानी नहीं पीना होता है, क्योंकि हमारे जो गले के अंदर जो वेंस होते हैं, जैसे हम नाड़िया, मैं बताता हूँ ना कि हमारे दो नाड़ियाँ हैं, हीरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, बराबर है ना, वो उसका कनेक्शन ऐसा ऊपर होता है, मगर इसके बीच में है। अगर आप ऐसा ऊपर से पानी पीते हैं तो ऐसा ही हुआ है कि कुछ नाड़ियाँ बड़ी होती है, कुछ छोटी हो जाती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए कभी भी पानी ऊपर से ना पिए, अगर पी रहे तो रुक रुक के पिए, थोड़ा 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 पिए। आप बहुत लोगों का आदत होती है पानी लेना है और कंटिन्यू पानी पीना है, वैसा मत करो, ये आपके लिए खतरे घंटी है, तो आपके अंदर की वेन भी फट सकती है, बहुत सारे डैमेजेस होते हैं अंदर, और पानी भी इतना होना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं, आपका कितना 37 है ना, तो 25, 22 इसके नीचे 10-12 इतना कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लाना है। नहीं तो बोले सर हम चाय गर्म गर्म पीते, आपको चाय भी गर्म नहीं पीनी है, ये भी गलत है, आपको लगता है ना बहुत बहुत सर्दी पड़ी है हम चाय एकदम गर्म गर्म पियेंगे, नहीं, इसलिए पहले हमारे लोग पागल नहीं थे, वो क्या करते थे, वो कप लेते थे, कप के नीचे नीचे प्लेट होती थी ना चीनी मिट्टी की, तो उसके अंदर वो चाय की डालते थे और सुरकी मार के पीते थे, तो आप भी वो ऐसा सुरकी लेकर चाय पीना है, यानी ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल, वो एक आनंद लेना है, इसलिए हमारे ओशो भी कहते हैं ना कि वो चाय पी रहे तो उसका भी आनंद दो, मैं एक देखो सामने उसको ऐसा समझो कि वो एक हमारे प्रियसी है, उससे हम बात कर रहे हैं, तो एक मेडिटेशन के जैसे उसका यूज किया है उन्होंने, तो इस तरह से आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आप हृदय है, आपको हृदय सीखना है, ये सब आपको अच्छा होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है स्वर परफेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आपको सुबह उठने के बाद 2 ग्लास कम से कम आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, जरूरी है। वो होने के बाद आप चाहिए तो टॉयलेट बाथरूम के लिए जा सकते हैं, वो प्रोसेस आपको बताऊंगा किस नाड़ी में जाना है, क्या करना है, तो पहले तो ये तो आपको पानी पीना जरूरी है। पानी होने के बाद में आप सब अभी दांत घिस रहे, दांत घिसने की प्रोसेस करो, वो भी आप कर सकते हैं, या अभी उधर दांत घिस रहे और अभी हमको मुंह उधर किसको लगता है कि हमको मुंह धोना है, तभी क्या करना है, वापस उधर से पानी लेना है, तो आप सादा पानी ले सकते हैं ठंडा वाला, ये हमारा नल का जो पानी होता है, मुंह के अंदर रखना है और उसको पूरा भर के रखना है,
ऐसा, और पानी का ऐसा पानी लेना है और जोर जोर से उनके ऊपर मार देना है, या आप ऐसा लेकर ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा समझे पानी लिया है मैंने मुख के अंदर, अभी पानी लेना है तो पूरे बॉडी के अंदर से जो वेंस होते हैं इससे हमें एक एनर्जी मिलती है, और जब हम फुलाते हैं ऐसा मुंह को तभी उधर प्रेशर आता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे चेहरे के ऊपर स्ट्रेस नहीं बोलते उसको, क्या होता है उसके अंदर वेंस क्लीन होते हैं, उसको आराम मिलता है, मसाज हम बोलते हैं ना, और हम पानी मार रहे हैं तो तनेस अब हमें आता है, उससे हमें क्या होता है फ्रेशनेस ज़्यादा आता है, होने के बाद में आपको उस पानी को फेंक सकते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस को आपको अपनाना है, मुझे पता है ये करना आपके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है, अगर आपको सूर्य अच्छा होना है ये बातें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बताया होगा आपके माता जी ने, पिताजी ने, या आपके दादाजी ने देखा होगा, कुछ लोगों का आदत होती है, देखो मैंने देखा है जो पुराने लोग होते हैं वो क्या करते थे, उनके पास एक जीवा साफ करने की मशीन होती है, आपके पास भी होगी, वो क्या करते थे ब्रश होने के बाद में जो यू टाइप या ए टाइप होता है देखो, तो स्टील की होती है वो अंदर हमारे जीवा के अंदर आके उसको खींचते हैं, ऐसा ऐसा खींचते तो हमारे अंदर गले के अंदर जितने सारा कचरा है वो सब उधर से कफ बाहर आ जाता है, तो ये प्रोसेस भी आपको करनी है, रेगुलरली आप कर सकते हैं, या आपके घर क्योंकि क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ ये तीनों रोग होते हैं, और हमारे हमारा मैक्सिमली जो रोग होता है या गले से ही जाता है, यहाँ से ही जाते हैं सब, हम जो कुछ खा रहे पी रहे तो सब यहाँ ही जमा होता है, अगर हम रात को सो रहे तो किसी की आदत क्या होती है कि हम हमारी जो लाड़ है वो हम अंदर नहीं जाती वो बाहर ही निकलती है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक्सेस मटेरियल है वो सब बाहर आ रहा है, और मुंह को एक गंदा बास होता है सुबह सुबह, तो ये सब आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, तो सोने के बाद में वो ऑटोमेशन होना चाहिए कि वो लाल जानी नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी, वो बाहर क्यों आ रही है वो इधर उसको रुका जा रहा है, अगर वो साफ नहीं हो रहा है तो सब रुका जाता है और सब निगेटिव एनर्जी और सब बाहर आती है, और सुबह आपके मुंह में एक सब दुर्गंध यानी एक गंदी स्मेल आती है, अगर वो नहीं चाहिए तो आप इस पद्धति से जाइए सुबह सुबह, अभी आपको फ्रेशनेस आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।